हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुरिंदर कौर, वास्तु निम्रो एंड स्पिरिचुअल हीलर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस फाइन ओकल साइंस चैनल में। कल हमने 16 डायरेक्शन में टॉयलेट की बात की थी, आज हम 16 डायरेक्शन में बेडरूम की बात करेंगे। नॉर्थ में जब भी किसी का बेडरूम आता है तो वो पर्सन हमेशा मनी अपॉर्चुनिटी के लिए ललायत रहता है। अगर कोई भी घर में आलसी इंसान है, उसको अगर हम नॉर्थ में लिटा देंगे तो वह कमाने के लिए प्रोत्साहित होगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ इम्यूनिटी का जोन होता है, इसमें इंसान को ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, यहाँ पर सोने से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन अगर किसी पर्सन की घर में तबीयत खराब है, उसको वहाँ पर लिटा दिया जाए तो रिकवरी होने में मदद मिलती है। नॉर्थ ईस्ट क्लैरिटी एंड माइंड का जोन है, यह स्थान मंदिर के लिए दिया गया है, यहाँ पर किसी को नहीं सोना चाहिए। न्यूली मैरिड कपल के लिए तो यह स्थान बिल्कुल भी उपयोगित नहीं है। लेकिन अगर 60 से ऊपर का पर्सन यहाँ पर सोता है, 60 साल से ऊपर का पर्सन यहाँ सोए तो कोई इफेक्ट नहीं आता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर जॉइंट क्रिएटिविटी का जोन है, तो इस जोन में सो सकते हैं, तो यहाँ पर आनंद उत्साहित महसूस करेंगे। ईस्ट में देखा जाता है कि मोस्टली पॉलिटिशियन बंदे को लिटाया जाता है, जैसे कि सरकारी काम से जो सहायता रहते हैं उनको यहाँ पर लिटाया रहता है। ईस्ट साउथ ईस्ट चर्निंग का जोन होता है, यहाँ पर इंसान को नहीं लिटाना चाहिए, अगर यहाँ पर लिटाएंगे तो उसका दिमाग चलता रहता है। साउथ ईस्ट में जब भी हम किसी का बेडरूम देंगे और साउथ ईस्ट में इंसान सोएगा तो उसका आक्रामक स्वभाव होगा, वह काफ़ी गुस्से वाला रहता होगा। साउथ साउथ ईस्ट में कॉन्फिडेंस का जोन होता है, यहाँ पर सही रहता है। साउथ में अगर इंसान सोता है तो नेम फेम के लिए होता है, यह जोन भी बेडरूम के लिए सही है। साउथ साउथ वेस्ट डिस्पोजल का एरिया, इस जोन में बेडरूम नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में अर्निंग पर्सन जो घर में मेन अर्निंग पर्सन है उसका बेडरूम यहाँ पर साउथ वेस्ट में होना चाहिए। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उसका बेडरूम यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के पर्पज से थोड़ा हो सकता है, लेकिन अर्निंग पर्सन के लिए साउथ वेस्ट का बेडरूम सही रहता है। वेस्ट साउथ वेस्ट में भी ठीक है। वेस्ट में गेन के लिए जोन होता है, गेन के लिए वेस्ट का बेडरूम बढ़िया रहता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में लो मूड डिप्रेशन का जोन है, यहाँ पर नहीं लेटना चाहिए। लेकिन कभी अगर डिप्रेशन माइंड है तो 10 से 15 मिनट के लिए हम यहाँ पर लेट सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में भी ठीक है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में न्यूली मैरिड कपल को यह जोन हमें देना चाहिए। यहाँ पर 10 से 12 साल के बच्चे लेट सकते हैं, उससे ऊपर के बच्चे यहाँ पर ना लेटें। थैंक यू। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये थे 16 डायरेक्शन में बेडरूम के इफेक्ट। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो इसमें कमेंट करिए, तो मैं आपको आंसर दूंगी। थैंक यू।